शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे चुन्नी पे चटने की दादी, हमने तो कहा था ना, एक विधवा के हाथों विवाह की रस्म की शुरुआत नहीं करना चाहिए। अब शगुन हो गया ना। पंडित जी, आप बोलना क्या चाहते? आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ लग गया इसलिए अब शगुन हुआ है? अरे वरुण, अब चिल्ला के होगा क्या? अब शगुन तो हो गया है ना। अब शगुन नहीं, सोची समझी साजिश, वो भी श्रद्धा की। तुम ये रोका होने नहीं देना चाहती ना, तुमने रचाना ये नाटक। नाटक क्या कह रही हो तुम रोशनी? एक तो हमारे दीदों ने पूरे मन से इतनी अच्छी तैयारी की, वो भी तुम्हारे कहने पे, और अब तुम फिर से उन पे ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। तुम तो रहने दो कीर्ति, तुम तो अपनी दीदू का ही साथ दोगी ना। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर क्या बीत रही है। देखिए बहन जी, मुहूर्त निकल गया ना तो रावका शुरू हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या करें? सब उनकी चुनरी खराब हो गई, अब कहां से चुनरी लाएंगे? हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। आप सब शांत हो जाइए, हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं। ये माता रानी की चुनरी है। मेरी वजह से आपकी लाई हुई चुनरी पर दाग लग गया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इस चुनरी के साथ माता रानी का आशीर्वाद भी जुड़ा है, इसके आगे किसी भी महंगी चुनरी का कोई मोल नहीं। बिटिया सही कह रही है, माता रानी के आशीर्वाद से बड़ा और क्या हो सकता है? लो बताओ, हमारी फ्लैट में श्रद्धा ने चटनी फेंक दी कि माता रानी की चुनरी दिखाकर। चलो, इनके भी तमाशों के अंत का मुहूर्त अब आ ही गया है, इनका भी सुहाग हो जाए। इस रोशनी को कीड़े पड़े, उसे जहाँ श्रद्धा को होना चाहिए था वहाँ वो बैठी। पता नहीं बुआ जी, चाची जी के मन को क्या हो गया, वो कैसे इतनी आसानी से रोशनी को दीदू की जगह दे सकती है। तनुजा भाभी की आंखों पर ना अपने बेटे की खुशी की चुन्नी चढ़ी हुई है। रसम शुरू करते हैं, आप वर वधु को टीका कीजिए। माता रानी, इस मौके को रोक लीजिए, अपना चमत्कार दिखाई दीजिए, मत होने दीजिए ये रोके को। बिजली को क्या हो गया? अब चाचू आप रहने दीजिए, मैं जाके देखता हूँ।
भाई रुक जा, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं यार, तू यही रुक, तू भी आ गया तो पता नहीं यहाँ क्या नया बवाल हो जाएगा। मैं देख के आता हूँ। बहन जी मुहूर्त निकल रहा है। जगह पे शांति से खड़े रहिए। अरे बहन जी आप बिजली का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से चुन्नी वधू के ऊपर उड़ा दीजिए वरना राहु काल शुरू हो जाएगा। माता रानी हमारे बहू पर ऐसे ही अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चमत्कार दिल से जय जयकार। आखिर आपके आशीर्वाद वाली चुन्नी उसी को चढ़ी जो इसकी असली हकदार है। भोलेपन का नाटक बंद करो श्रद्धा, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना। अभय के नाम की चुन्नी मुझे ओढ़नी थी लेकिन बहुत चालाकी से तुमने वो चुन्नी अपने आप ओढ़ ली, मेरा हक छीन लिया मुझसे। वैसे कमाल है ना, अचानक से मुहूर्त के कुछ पल पहले ही बिजली का जाना, ये सब नाटक तुमने रचा ना। तुम शुरू से नहीं चाहती थी कि मेरा और अभय का रोका हो, इसलिए तुमने ऐन मौके पे अंधेरे का फायदा उठाया और तनुजा आंटी के सामने आ गई ताकि वो चुनरी तुम्हें उड़ा दे। यही हुआ ना श्रद्धा, है ना। कितनी गिरी हुई हो तुम श्रद्धा, सोच भी नहीं सकती थी इतनी बेशरम हो तुम। रोशनी झूठ नाटक फरेब धोखा ये वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ खोने का डर होता है, लेकिन रोशनी तुम कितनी खुदगर्ज हो गई हो। अपने अलावा कुछ पता नहीं है ना तुम्हें। जानती हो अभी पूरे घर में आग लग सकती थी और तुम्हें सिर्फ अपने रोके की पड़ी है। ये आप क्या बोल रही है दीदू। हाँ कीर्ति, बिजली के बोर्ड में आग फैल गई थी इसलिए मुझे पूरे घर की बिजली बंद करनी पड़ी। झूठ, सिर्फ झूठ। कहाँ है आग, कौन सी आग? ना कोई आग है ना कोई धुआं। आप सबको दिखाई दिया क्या, कहाँ है धुआं, दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ रोशनी, श्रद्धा बिल्कुल सच कह रही, बिजली के बोर्ड में सच में आग लग गई। भाई फिर तो हम सभी को बाहर निकलना चाहिए, चलो। अबे रुक, आग मैंने बुझा दी, वो तो भला हो श्रद्धा का कि उसने बिजली बंद कर दी, वरना पूरे घर में आग लग सकती थी, पता नहीं क्या हो जाता। हर बार यही करती है श्रद्धा, आज भी मेरे प्लान की आग करने से पहले उसने पानी फेर दिया उसको। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।